इन दिनों मानव सेवा संघ दर्शकों सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। आज राम सखी चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मानव सेवा संघ के बैनर के नीचे तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस के रूप में सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झाझा नगर परिषद की स्वच्छता प्रभारी, भारतीय स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर, पूर्व बैंक प्रबंधक शैलेश कुमार, साथ ही साथ सीताराम पोद्दार, तमाम लोगों ने आज शिक्षकों को सम्मानित किया। जिस प्रकार आप देखते हैं, शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक ही क्या, हर बंदे को क्या चाहिए, सम्मान चाहिए, जो लोग दे नहीं पाते। सम्मान तो मुफ्त में मिलता है, अभी भी कई ऐसे ढीठ टाइप के आदमी होंगे कि सीनियर खड़ा रहता है, वो जूनियर कुर्सी पर बैठा रहता है, कि आए दिन देखने को ये बातें मिलती। कहीं ना कहीं सम्मान के हर आदमी हकदार है, हर आदमी भूखा है, लेकिन सम्मान भी उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो अगले को सम्मान करता हो। जिस प्रकार से तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को आज सम्मानित किया, तमाम लोगों ने कहा हमारी जिंदगी का ये बहुत ही यादगार पल है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। सेवा संघ के बैनर के तहत जो शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, ये प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है और इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज हमने देखा कि मानव शिक्षक संघ के पूरा टीम, चाहे हमारे रामविलास बाबू हों, भीम जी हों, घनश्याम जी के नेतृत्व में सारे लोग, जैसे किसी के घर में शादी विवाह होता है ना, उस हिसाब से सवेरे से उत्साहित थे। और ये एक शुभ लक्षण है, झाझा के लिए ये गुड साइन है। कम समय था, कार्यक्रम में कुछ कमी बेची रह गई होगी, हम सारे शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि वो इसको अन्यथा न लें। और आप लोग के सहयोग से, आप जो सोशल मीडिया कर्मी हैं, सारे आयोजकों का मनोबल बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले तो थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आता उनके बारे में, से बहुत उत्साहित करती है हम लोगों को। आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, ये बहुत ही मीडिया वाले हैं, पता नहीं वो नए आने से वो अपने आप को बड़ा पत्रकार के श्रेणी में रखना चाहते हैं या क्या है, आई डोंट नो। हम भी एक भारत सरकार के प्रतिष्ठान को चलाए हुए हैं, हम एक व्यापारी भी रहे हैं, अल्टीमेटली दे आर ए बिजनेसमैन। जो अखबार है और जो ग्राहक है उसके बीच जस्ट लाइक दे आर ए एजेंट, नथिंग एल्स। उसके बीच एक कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं, पता नहीं गॉड नो उनका क्या सोच है, क्या उनका कार्य शैली है, लेकिन मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ। आप लोग आए, आप लोग बहुत, देखिए हमारे मुंबई साहब है, इनके दिल में क्या जगह था, क्या इनका सोच था, हम इतना इनको फक्र है इनके ऊपर। हमारे भुट्टो साहब, इनकी व्यवस्था हम समझ सकते हैं, आप लोग बहुत। मैम जिस तरह आज बैंक परिवार रानीकुरा यूएमएस में आके तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए, तो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में हम लोग आए, इनके पास आ पाए हम लोग, कभी कभार ये हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो आज बैंक जो है ये इनके साथ इनके प्रीमाइसेस में आ करके हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शिक्षक दिवस को। हमें बहुत खुशी है कि ये हमसे जुड़ पाएंगे, हमारे साथ आगे तक चल पाएंगे, भविष्य में इनकी जो भी योजनाएं होंगी ये हमारे द्वारा इनकी पूरी हो पाएंगी, इनके सपने पूरे हो पाएंगे, ये सब सोच करके मुझे बहुत खुशी। क्या नाम है, किस पद पे आप हैं? अभी मैं अजय डीबीएम ज्वाइन किया है मैंने स्टेट बैंक झाझा में, मेरा नाम अमिता तिग्गा। खान साहब, जिस तरह तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया मानव सब के मानव सेवा संघ के बैनर के तहत, तो कैसा लग रहा है, क्या पल है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और शैलेश भाई घनश्याम गुप्ता के प्यार से मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ आया, और आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर में ही हूँ। और शिक्षा का सम्मान करना ये बहुत ही अच्छी काम है, और क्योंकि शिक्षा से ही स्टूडेंट बहुत कुछ आगे निकलता है, तो बस मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि शिक्षा की जो है ख्याल रखें, उनका रिस्पेक्ट करें, और इससे ज़्यादा मैं क्या। भुट्टो साहब, कैसा पल है ये? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। मानव सेवा संघ के प्रांगण में झाझा रेलवे स्टेशन के पास जो शिक्षक समारोह, शिक्षक को तो बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप भी शिक्षक का सम्मान करें, और ख़ासकर उनके गार्जियन भी। अगर गार्जियन नहीं सम्मान करेंगे, विद्यार्थी सम्मान नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा नहीं पढ़ सकता है, और आपका बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बड़े से बड़े ओहदे पर जाता है, शिक्षक बेचारा शिक्षक ही रह जाता है।
इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान नहीं करेंगे वो विद्यार्थी नहीं पढ़ सकता। अगर आप लोगों को कैसा पल है, नारी हम लोग हैं जो कि हम लोग को इतना सम्मान मिला करने के लिए, और हम लोग बढ़िया से टीचर लोग बच्चे को सम्मान दे, हम लोग को जो सम्मान मिला तो बड़े और छोटे को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और पहली बार हमको एक सम्मानित मिला है। इनका क्रेडिट बिंदु मैडम को। जी मैडम, कैसा लग रहा है आज? स्टेट बैंक के द्वारा ये जो प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, और मैनेजर साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि शिक्षक को सम्मान देकर के उनका सम्मान नहीं बढ़ाए बल्कि उनके अंदर एनर्जी देती है ताकि वो बच्चों को और भी अच्छे से देख सके। शिक्षक क्या चाहते हैं? एक सम्मान चाहते हैं। शिक्षक का पद ही सम्मान के लायक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनको तकलीफ हो जाती है। ये तकलीफ का भरपाई करने के लिए ऐसा प्रोग्राम हमेशा अगर साल में एक बार हो जाए तो शिक्षक बहुत ही खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे। तमाम शिक्षकों का आज राम सखी लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवक संघ के बैनर के तले सम्मानित किया, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहला बार हमको प्राइज मिला है और हमको बहुत खुशी हो रही है कि कोई किसी को हम लोग को देखने वाला है, मतलब खुश करने वाला है। हम लोग इतना काम करते हैं उसके बावजूद भी कोई नहीं कहता है, ये पहला बार हमको प्राइज मिला है। और एक हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और कल परसों हमारे यहाँ सिमतला में गए थे, उन्होंने अपने बी एन झा टीचर थे और शिष्य गुरु और शिष्य के संबंध में उन्होंने बताया। कैसा लग रहा है सम्मानित किया गया आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमको ये सम्मान मिला, और इस तरह का सम्मान मिलने से हम लोगों को प्रोत्साहित होते हैं और अच्छा काम करने के लिए हम लोग प्रेरणा मिलती। कैसा लग रहा है? लग रहा है सम्मान पाकर और सम्मान से, और हम लोग अधिक एनर्जेटिक होते हैं और काम करने में जो है बल मिलता है। अच्छा लग रहा है, हम लोगों को इंस्टीट्यूट मिला है, पहली बार मिला है, और इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम लोग जैसे बच्चों को मनोबल अर्जेंट करते हैं उसी तरह आज हम लोग को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, काम करने में मन लगता है, लड़ाई करके बच्चों को शिक्षा देने में भी मन लगता है। कोई तो है हम लोगों को कुछ नहीं वाला। अच्छा लगा, शिक्षक का सम्मानित होना चाहिए, इससे क्या होता है समाज में एक अच्छा मैसेज और शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ता है। जिस तरह आज शिक्षकों का सम्मान मानव सेवा संघ के प्रांगण में किया गया, तमाम लोगों को भोजन भी कराया गया, तो सर क्या कहेंगे? आज राम सखी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर भोजन के साथ साथ शिक्षकों का सम्मान आयोजन किया गया है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, शिक्षक को हमेशा पूजनीय रहे हैं और समाज में सर्वोपरि रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। ये वही महाजन हैं जो रास्ता बनाते हैं, बनाने के बाद करना सिखाते हैं। आज उनको सम्मान करके हमें गर्व की अनुभूति हो रही है, और ऐसे ऐसे शिक्षक आए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। मुझे गौरव महसूस हो रहा है, हमको गौरवान्वित महसूस हो रहा है ऐसे शिक्षकों को। अच्छा लग रहा है शिक्षक दिवस पर तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को आज चीफ मैनेजर स्टेट बैंक सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छी लग रही है, मेरे स्कूल में यह पहला मौका हुआ है, इसके लिए हम लोग को बहुत गर्व हुआ है, आगे भी इस तरह से होते रहे, हम लोग को बहुत प्रसन्नता की। मैडम कैसा लग रहा है चीफ मैनेजर आकर सम्मानित किया आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले ये एक तरह से शिक्षक दिवस यादगार रूप में हो गया आप लोगों के लिए? बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक दिवस यादगार रूप में हो गया कि सब लोग आए, अच्छा लगा। और घर स्कूल आकर खुद ही सब बैंक के बारे में डिटेल बताया कि क्या लाभ है, क्या फायदा है। जिस तरह स्टेट बैंक आपके दरवाजे पर, आपके विद्यालय के दरवाजे पर आकर आप लोगों को सम्मानित किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर को, बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का मौका हम लोगों को के साथ मिला है। प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैंक झाझा की ओर से हम लोग को सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा माहौल रहा, इसके लिए प्रबंधक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विनोद जी, कई कोई भी बैंक आगे इस तरह से आपके दरवाजे पर, आपके विद्यालय में आके सम्मानित किया है क्या? ना, ये पहली बार जो है मेरा जीवन का ये पहली बार
कैसा महसूस करें जी, डॉक्टर गौरव जो चीफ मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक पूरी टीम के साथ आपके आए हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नितिन कुमार। हाँ सर, आप साथ ठीक है? बाकी जो हमारे शिक्षक बंधु है, अगर खिचड़ी लाओ। देखो सर भी है रोहित। अरे आप भी आइए आप। अशोक कुमार यादव जी, सुनील पासवान जी, खास हमारा आदमी है भाई सर, आवासीय विद्यालय की शिक्षिका बजाइए, ताली बजाइए। और कल का एक वाकया जो मुझे छू गया, 38 वर्ष हमने नौकरी किया, उसके पहले मैं वार्ड कमिश्नर भी था, उसके पहले मैं संगठन में जुड़ा हुआ था, कल जो छू गया।